कभी रणवीर और ईशानी के बीच आने वाला शिखर आज इन दोनों को मिलाने की कड़ी बन गया है। आज शिखर रणवीर और ईशानी का पुनर्मिलन करा रहा है। रणवीर और ईशानी का डिवोर्स करवाकर उनकी दोबारा शादी करने का रास्ता साफ कर रहा है। जी हाँ, आज शिखर रणवीर और ईशानी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। आज शिखर यानी अर्जुन बिजलानी का इस शो में आखिरी दिन है और जाते जाते शिखर यानी अर्जुन ने रणवीर और ईशानी को दोबारा मिलवा ही दिया। ठीक है, मैंने तो मिलवा दिया और मैं जा रहा हूँ। आई जस्ट होप कि ये दोबारा बिछड़े ना। जा रहा हूँ मैं। लाइक दिस इज द सैडेस्ट डे ऑफ माइन ऑन द सेट्स ऑफ मरिया शिखर बिकॉज़ ही इज लीविंग। शिखर बेसिकली प्लेज द क्यूपिड और वो हम दोनों को मिलाने की कोशिश करता है, मगर रणवीर और ईशानी की नोक झोंक इतनी ज्यादा है कि ना तो वो मौका देखती है ना ही दस्तूर कहीं भी शुरू हो जाती है। अदालत में जज साहब के सामने भी ये दोनों लड़ पड़े, एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगे। हम थोड़ा सा बहक गए थे, हम लाउड वॉल्यूम में हमने झगड़ा करना शुरू कर दिया और हम भूल गए कि हमारे आसपास यू नो जज बैठे हैं, सारी मतलब पब्लिक बैठी हुई है। ऑफ कोर्स रणवीर और मेरी तो नोक झोंक होती रहती है, लाइक व्हेनेवर वी मीट हम मतलब क्यूट लड़ाई तो ऑफ कोर्स होती है। इनकी ऐसी नोक झोंक और लड़ाई देखकर जज साहब भी परेशान हो गए और दोनों को डपट लगा दी। बड़ी मुश्किल से शिखर के कहने पर रणवीर और ईशानी को माफ किया जज ने और इनका डिवोर्स करवाकर इन्हें दोबारा शादी करने की इजाजत दे दी। मगर रणवीर और ईशानी को मिलाने वाले शिखर यानी अर्जुन को हम सभी बहुत मिस करेंगे एंड वी आर श्योर कि वो भी हमें बहुत ही जल्द दोबारा नजर आएंगे। आई हैड एन अमेजिंग टाइम ऑन दिस शो, बहुत मजा आया और मैंने एक बहुत अच्छा दोस्त बनाया यहां पर राधिका एंड शी इज बीन सच अ स्वीटहार्ट। आई गेस ऑल गुड थिंग्स you know sometimes slow down or come to an end. Yes, I'm going to miss meri Aashiqui Bansi. और आए भी क्यों ना, बहुत ही जल्द अर्जुन का नया शो नागिन जो आने वाला है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।